हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग बड़ा ही दो इंपॉर्टेंट वर्ड को समझने वाले हैं। एक है हमारा टू और दूसरा हमारा है सो। वैसे तो ये टू और सो दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, लेकिन जब हम लोग टू के साथ टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं और सो के साथ हम लोग दाइट क्लॉज का यूज करते हैं तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस बन जाता है और फिर ये दोनों का यूज हम लोग साथ में करने लगते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं कि टू के साथ जब हम लोग टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो ये किस तरह से फंक्शन करता है और शो के साथ जब हम लोग दैट लिखते हैं तो ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये जो टू होता है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ये हमें ध्यान रखने है, ये जो टू होता है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है और ये सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग को कैरी करता है। मतलब इसका मीनिंग जो होता है सेंटेंस में नेगेटिव होता है, ये हमें ध्यान रखने है। इसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, ये हमें ध्यान रखने है। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद ये जो सो होता है तो सो भी हमारा एडवर्ब होता है। सो जो होता है ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है सेंटेंस में वो पॉजिटिव होता है, ये हमें ध्यान रखने है। चलिए अब टू के बाद हम लोग टू लिखते हैं। जब हम लोग टू के साथ टू लिखते हैं तो ये जो टू होता है ये टू के बाद हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं जो कि एक इंफिनिटिव का काम करता है। टू के साथ हम लोग बेस फॉर्म यूज करते हैं। बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है? और ये एक इंफिनिटिव बन जाता है। ये एक इंफिनिटिव बन जाता है, ये हमें ध्यान रखने हैं। ये हमारा इंफिनिटिव होता है। लेकिन जब हम लोग सो यूज करते हैं तो सो के साथ हमें दाइट यूज करना पड़ता है और ये जो दाइट होता है ये एक कंजक्शन होता है। ये एक कंजक्शन होता है और कभी भी हम लोग कोई कंजक्शन यूज कर ले तो उसके बाद हमें क्लॉज लिखने पड़ते हैं। तो इसके बाद हमें क्लॉज लिखने पड़ेंगे। क्लॉज जो होते हैं, क्लियर है, हम सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस। तो इसके बाद हमें कोई क्लॉज लिखना पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए तो टू के बाद हम लोग टू लिखते हैं जो कि एक इंफिनिटिव होता है और सो के बाद हम लोग दैट लिखते हैं। क्लियर है? जो कि एक क्लॉज को बनाता है, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब इन बातों को हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है राहुल इज टू पुअर दैट ही कांट बाय अ कार। राहुल इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता है। अब इस सेंटेंस में देखिए हम लोगों ने टू यूज कर दिया। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टू के साथ टू का यूज होता है। क्लियर है? और टू का यूज हम लोग इंफिनिटिव बनाने के लिए करते हैं। तो ये दाइट गलत हो गया, यहां पे हमें ये दाइट को हटाने हैं और हमें लिखना पड़ेगा टू। क्लियर है? अच्छा टू के बाद हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमें यहां से ये ही कांट जो लिखा हुआ ही कांट बाय अ कार ये गलत हो जाएगा। हमें सिंपली लिखना पड़ेगा बाय अ कार और इस तरह से इस सेंटेंस को हमें सही करने पड़ेंगे, ही बाय अ कार। तो यह सेंटेंस हमारा इस तरह से लिखना पड़ेगा राहुल इज टू पुअर टू बाय अ कार। राहुल इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। राहुल इज सो वीक टू विन दिस रेस वेरी इजीली। राहुल इतना कमजोर है कि वह इस रेस को बहुत आसानी से जीत नहीं सकता है। अब यहां पे देखिए हम लोगों ने सो यूज किया। सो के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सो के साथ हम लोग दैट यूज करते हैं। तो ये जो टू विन दिस रेस वेरी इजीली लिखा हुआ ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। हमें यहां पे दैट क्लॉज लिखने पड़ेंगे और दैट क्लॉज लिखने के लिए हमें यहां पे सो के साथ सबसे पहले दैट लिखने पड़ेंगे और दैट के बाद हमें यहां पे एक सेंटेंस लिखने होंगे। क्लियर है? राहुल की जगह पे प्रोनाउन यूज करेंगे तो राहुल की जगह पे प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही हो जाएगा। फिर हम लोग
यहां पे कांट का यूज करेंगे, ही कांट विन विन दिस दिस रेस इजीली। तो इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मोहन वाज सो लेजी टू डू द होमवर्क इन दैट टाइम। अब हमने यहां पे इस सेंटेंस में सो यूज कर लिया। अब अभी हम लोगों ने देखा था कि सो के साथ हम लोग दैट क्लॉज को लिखते हैं, तो ये जो टू डू लिखा हुआ है इंफिनिटिव, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। क्लियर है? हमें इसे हटाने होंगे और इसके जगह पे हमें दैट क्लॉज लिखने होंगे। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, मोहन वाज सो लेजी दैट दैट, मोहन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही हो जाएगा, ही कुडंट। इस बार हम लोग कांट नहीं लिखेंगे, हम लोग कुडंट लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है वो पास्ट का है। ही कुडंट डू दी होमवर्क होमवर्क इन टाइम। तो इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन वाज टू सेल्फिश दैट ही कुडंट बी अ फ्रेंड। अब इस बार हम लोगों ने टू यूज किया। अब हमने पढ़ा कि टू के साथ हम लोग टू इंफिनिटिव का यूज करते हैं, तो ये जो दैट ही कुडंट बी अ फ्रेंड क्लॉज लिखा हुआ, ये हमारा गलत हो गया। क्लियर है? इसके जगह पे हमें टू इंफिनिटिव का यूज करना है। टू इंफिनिटिव का यूज करने के लिए हमें यहां पे दैट के जगह पे टू लिखना पड़ेगा, टू, और इंफिनिटिव बनाने के लिए हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टू बी अ फ्रेंड, और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर सो वीक दैट दे कुडंट वर्क हार्ड। अब इस बार देखिए कि हमारा सो लिखा हुआ है, इस बार हम लोगों ने सो यूज किया है और सो के साथ दैट क्लॉज यूज होता है, वो भी यूज हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। अब ये सेंटेंस गलत क्यों है थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पे देखिए, दे आर सो वीक, ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है, ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज। ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज हो गया, और ये दैट के बाद लिखा गया जो क्लॉज है ये हमारा हो गया सबोर्डिनेटिंग क्लॉज। अब हमें ये देखने हैं कि अगर हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट में लिखा हुआ हो तो जो हमारा सबोर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसे भी हमें प्रेजेंट में लिखना होता है। ये जो कुडंट लिखा हुआ है ये पास्ट के सिचुएशंस के लिए यूज होते हैं, तो ये जो कुडंट है ये गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कांट। तो इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने पड़ेंगे। क्लियर है? इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहां पे कांट, और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, दे आर सो वीक दैट दे कांट वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को भी देख लेते हैं। दे वर सो सेल्फिश दैट दे कांट अंडरस्टैंड। अब यहां पे देखिए, सो के साथ हम लोगों ने दैट क्लॉज का यूज किया, सो के साथ हम लोग दैट क्लॉज का यूज करते हैं, तो ये दैट क्लॉज देखिए लिखा हुआ है, लेकिन ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। कैसे रॉन्ग हो गया? तो यहां पे देखिए, दे आर सो सेल्फिश, ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज हो गया, ये इस सेंटेंस का क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया। अगर ये सेंटेंस का मेन क्लॉज हो गया तो दैट के साथ जो लिखा गया क्लॉज है, ये जो दैट के साथ लिखा गया जो क्लॉज है ये हमारा सबोर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया।
अब अभी हमने सीखा कि अगर हमारा मेन क्लॉज पास्ट में हो, क्लियर है, तो हमें सबोर्डिनेटिंग क्लॉज को भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो कांट है ये गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कुडंट। तो हमें ये भी ध्यान रखने हैं, क्लियर है, कि कब हमें कांट लिखने हैं और कब हमें कुडंट लिखने हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज टू वीक टू ड्राइव अ कार, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, टू के साथ हम लोगों ने टू इंफिनिटिव का यूज किया है, ये टू है और टू के साथ ये टू इंफिनिटिव का यूज किया है, क्लियर है ना। अब ये सेंटेंस देखते हैं कि रॉन्ग है या फिर राइट है। तो देखिए, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? ही इज टू वीक टू ड्राइव अ कार, वह इतना कमजोर है कि वह कार ड्राइव नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस सेंटेंस में ये जो इज है, ये इज है, ये हमारा वर्ब है और इस वर्ब का ये जो ही है, इस वर्ब का ये हमारा वर्ब है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, क्लियर है। उसके बाद ये जो टू ड्राइव लिखा हुआ है, ये भी हमारा एक वर्ब है, क्लियर है। ये भी हमारा वर्ब होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और जब भी हम लोग वर्ब को लिखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट जरूर होता है। वर्ब को बिना सब्जेक्ट का नहीं लिखा जाता है। तो ये जो इज वर्ब है, इज वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ही है और ये जो टू ड्राइव वर्ब है, इस टू ड्राइव वर्ब का भी सब्जेक्ट जो है वो ही है, क्योंकि यही वीक है और यही इस कार को चलाएगा। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देख लेते हैं। दिस, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू मूव। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये टू लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में ये टू लिखा हुआ है, टू के साथ हम लोग इंफिनिटिव यूज करते हैं, तो ये देखिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इंफिनिटिव लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। अब ये देखना है कि ये सेंटेंस हमारा सही कैसे हो गया, क्लियर है, और ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग कैसे हो गया, क्लियर है, और क्या करेंगे जो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इस सेंटेंस में ये जो इज है, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब हो गया और इस वर्ब का ये जो द बॉक्स है सब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए, फिर हमने यहां पे एक इंफिनिटिव लिखा। इंफिनिटिव भी एक वर्ब होता है, ये भी हमारा वर्ब होता है। हम जो इंफिनिटिव लिखते हैं ये भी हमारा वर्ब होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इनका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। अब अगर गौर से देखिएगा तो ये जो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इंफिनिटिव बनाने के लिए जो हम लिखे हैं, इसका भी सब्जेक्ट जो है ये बॉक्स है, क्लियर है, मतलब बॉक्स ही हैवी है और बॉक्स ही मूव करेगा। देखिए पहला वाले सेंटेंस में क्या है कि ही कमजोर है और वही ड्राइव करेगा, लेकिन क्या दूसरे वाले सेंटेंस में ऐसा है कि बॉक्स ही मूव करेगा? बॉक्स तो मूव करेगा नहीं। तो इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा नॉन डूअर सब्जेक्ट है, नॉन डूअर सब्जेक्ट। अब हमने पढ़ा कि अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो हमें वहां पे पैसिव वॉइस लिखने पड़ते हैं। ये जो हम लोग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, ये इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस में यूज होता है, ये एक्टिव वॉइस में यूज होता है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमें टू के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने पड़ते हैं पैसिव के लिए, ये हमें ध्यान रखने हैं पैसिव के लिए। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहां पे टू मूव को करना पड़ेगा, टू बी मूव्ड, और इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे, क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, योर सन इज टू यंग टू गो टू स्कूल। इस बार हम लोगों ने टू यूज किया और टू के साथ ये टू गो जो है इंफिनिटिव यूज किया, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए। देख लेते हैं सही है या नहीं। अब इस सेंटेंस में ये जो इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट योर सन है, क्लियर है,
अच्छा टू गो, ये जो इन्फिनिटिव है ये भी हमारा वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है योर सन है। अब इस बार क्या है कि योर सन है वही यंग है और वही स्कूल जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, योर सन इज टू यंग टू सेंड टू स्कूल। अब यहां पे देखिए ये टू लिखा हुआ है, टू के साथ टू सेंड इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा सही हो जाना चाहिए। इसका भी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये जो योर सन लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, वर्ब है। योर सन इज, ये इस सेंटेंस में इज जो है ये वर्ब है और इस वर्ब का ये योर सन सब्जेक्ट है। टू सेंड जो है ये इन्फिनिटिव है, ये भी एक वर्ब होता है, इसका भी कोई सब्जेक्ट होगा। तो गौर से देखिएगा तो इसका जो सब्जेक्ट है ये योर सन है। अब क्या ऐसा है कि योर सन जो है वो यंग है, चलो ठीक बात है, क्या वही स्कूल भेजेगा? स्कूल भेजने वाला काम क्या सन करेगा? नहीं, सन तो नहीं करेगा, सन को स्कूल भेजा जाएगा। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है ये नॉन डूअर सब्जेक्ट हो गया, नॉन डूअर सब्जेक्ट। अब अभी हमने पढ़ा कि अगर नॉन डूअर सब्जेक्ट हो, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो हमें पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है। तो ये जो टू सेंड लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसे हमें पैसिव बनाना पड़ेगा। तो हमें यहां लिखने पड़ेंगे टू बी सेंट, और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो मैं आप लोगों के लिए यहां पे दो सेंटेंस छोड़ रहा हूं, आप ये दो सेंटेंस को एक बार देखिए और पता लगाइए कि ये दोनों सेंटेंस सही है या फिर रॉन्ग है। अगर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर रॉन्ग है तो आपको सही करके कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखने भी हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यही था टू और सो का यूज जो हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।